You from? Punjabi. Where? Punjabi only. Where are you going? New York, California, where are you going? California. California? Where are you from? California. Where are you from? India. You're India? And you? India. India. Where are you going? California. California, you? California. Where are you from? India. You? Where are you from? California. India. Where are you going? California. You? India, going to New York. Where are you going? Where are you from? India? New York. You? India, New York. You? India, New York. You? India, California. You? California. Where? You? India, California. You? Senegal. Where are you going? इंडिया में आजकल यूथ को एक अलग ही चुल मची हुई है अपनी आगे की ज़िंदगी विदेश में बिताने की, खास करके यूएस और यूके में। हालांकि ये काम इतना भी आसान नहीं होता, इस वजह से ये यूथ इलीगल रास्ता चुनता है। बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी डंकी में शाहरुख ने भी यही दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे एक बेटर लाइफ के ड्रीम को पूरा करने के लिए बंदा किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। बहुत से राज्यों के यंगस्टर्स जैसे कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात, इनकी बहुत स्ट्रांग डिजायर होती है फॉरेन लैंड में सेटल होने की। हालांकि विदेशी ज़मीन पर बसना या सिर्फ वहाँ कमाने ही जाना उतना भी आसान नहीं होता है जितना कि दिखता है। विदेश पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल होता है और मिडिल क्लास फैमिली या एवरेज इनकम वाले लोग इसे आसानी से अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उनका यह फॉरेन जाने का सपना टूटता नहीं है और फिर इनके पास बस एक ही उपाय बचता है, डंकी रूट। हम अमेरिका डोंकी का तरह आए थे भाई, चार जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिनों के जंगल में। देखिए भाई मेक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता के माँ बाप ने कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई, 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप से बात भी नहीं करी। जो लोग विदेशों में पहुंचने के रेगुलर प्रोसीजर से परेशान रहते हैं उनको डंकी रूट आसान लगता है। हालांकि जो लोग डंकी रूट चुनते हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें नदियां पार करनी होती है, जंगल पार करने होते हैं और कई दिनों तक भूखा रहना होता है। उसके बाद भी बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वे अपने मनपसंद देश में पहुंच सकें। डंकी एक इलीगल इमिग्रेशन रूट है जिसको लाखों इंडियंस अपने मनपसंद देश जैसे कि यूके, यूएसए और कनाडा जाने के लिए फॉलो करते हैं। डंकी पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। द यूनाइटेड स्टेट्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एक डाटा शेयर किया जिसके हिसाब से करीब 42,000 इंडियन इमिग्रेंट्स ने साउदर्न बॉर्डर को इलीगली पार किया है और 2022 में करीब 92,000 इंडियंस ने डंकी रूट के थ्रू यूएस में घुसने की कोशिश की है। हालांकि ये 92,000 लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए और अथॉरिटीज ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। हाँ जी, कितना सारे मेरा भरा ठीक हो, तो अच्छ आप फिर तो यूएस की वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आ जो ग्रुप हमने हूँ जो कि लंघ के एरीजोना बॉर्डर तो आया, तो इधर भी दिखाने तुम होर बंदे आ रहे हैं। तो मेरा वीर, जे किसी ने भी गेम करनी है तो दसंबर तो पहला अपनी गेम कर सकता, तो उस तो बाद पता कि न्यू ईयर आ जाना, तो इस तो बाद इलेक्शन आ जाने, बॉर्डर क्लोज हो जाना, तो गेम करनी है तो दसंबर तो पहला एंटर हो जाऊ मेरा भरा। डंकी मारने के लिए पर पर्सन का खर्च 15 से लेकर 40 लाख तक का आ जाता है। कभी कभी ये रकम 70 लाख या इससे भी ऊपर चला जाता है। हालांकि डंकी मारने की जितनी भी रकम दी जाए जिंदगी बचने की इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती, और अगर किसी तरह से लोग वहाँ पहुँच भी जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की लाइफ अच्छी हो जाती है। वहाँ रहने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत लोग एडजस्ट करके वहाँ रहते हैं। इस गंध दे विच सौंदे ने साढ़े 7 पंजाबी ते एक कुड़ी। आह असलियत आ, इत्थे टेंट ला के आ, इन्हां दा समान पिया। जो लोग ये सोच के विदेश जा रहे हैं कि वहाँ क्राइम नहीं है या इंडिया में उन्हें अनसेफ फील होता है, तो क्राइम फॉरेंस में ज़्यादा होती हैं। वो बस अपना सेफ साइड हमें दिखाते हैं और दूसरी साइड कभी पता नहीं लगने देते हैं। ये लोग इंडिया के लिए तो बहुत बोलते हैं कि इंडिया में क्राइम है, इंडिया में ये है, खुद ही कंट्री उसमें देखो भाई। भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में हमें ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रहे, टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो। सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई, ज्यादा मेट्रो स्टेशन देख लो उनके। मेट्रो स्टेशन देख लो भाई, एक कई लोग मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग भाई, मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पॉटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई, पेज पे देखो, मेरे खुद आंखों देखी थी, दे दो, मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आया टब, एक लेके आया एक जार में पानी, वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल दिया, फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई, ड्रग ही होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिप्पी टाइप हो, हिप्पी भी कह लो, पर वो ना जिस तरह
डिप्रेशन इतना यार, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने इधर, अपने तो परिवार वाले संभाल लेते। अब तो इंडियंस भी फॉरेन में इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको फॉरेन वाली फील आएगी भी नहीं। इंडियंस अब फॉरेन में हर जगह मिलते हैं। हम आए हैं लंदन और लंदन के गलती से हम साउथ हॉल में फंस गए और साउथ हॉल को हाल इतने बुरा हो भाई, पिछले दो घंटा में एक अंग्रेज देखो और वो भी बस चला रहा होगा, बस में बैठे हैं सारे देसी चारों भांडो देसी देसियां, ऐसे लग रही है जैसे जैसे पंजाब के दिल्ली के कई शहर में आगे हैं। और हीन हमने SBI की बैंक देखी भाई, हुए उनने भी बोर्ड लगा रहा बाहर लंच के बाद आ रहा भाई आगे ऐसे मार दिया। अब बताओ लंदन में भाई देखिए चारों भांडो एक अंग्रेज नजर बस में सिगरेट देसी जा रहा है। अकबर ट्रेवल ले तू ऐसा समझ दिल्ली में डोल रहा हूँ भाई ठीक है आजा आजा। तो हम ही ना खान लू क्योंकि साउथ हॉल में खाने को सिस्टम ठीक रहे, बिल्कुल देसी खाना मिलेगा, तो हम साउथ हॉल आए हैं। बाकी भाई इतने बुरा हाल है लंदन को, बिल्कुल मत आया भाई, बहुत देसी हुए पड़े, बहुत ज्यादा हुए पड़े। रिकमेंड कर दे इरफान भाई, फिर बाद में कभी कोई पछतावे ना के फिर मत गयो। देखिए नानक स्वीट्स देख संभल देखिए। तो गाइस आपको कुछ कहना तो कमेंट्स में जरूर कहें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Why did you guys come here to the US? Life danger. So you're here to seek asylum. खतरा खतरा। Where do you guys want to go in the United States? What city? California. Seattle. New York. Okay. And why did you guys come here to the US? Sorry? English, no. You want a job? No. Yes, yes. No? You don't want to work? Why'd you... Life danger. Life in danger. Okay. So you're here to seek asylum. Khatra, khatra. How did you guys get here? I don't understand your language. English, no English. Only Punjabi. हाँ जी भाई, रूम देखने के लिए आया था। आप मिस्टर इमरान है? हाँ। अच्छा ये किचन है आपका? हाँ ये किचन है, शेयरिंग किचन है। अच्छा और जल्दी आ जाओ भाई क्योंकि मुझे बाहर जाना है। अच्छा। और बाथरूम में कोई जा रखा है। ओके। और ये बेड है तो इसमें ना भैया अभी हमारे पास ये वाला बेड है, ये शाम तक खाली हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे कितना पैसा फिर मुझे पे करना पड़ेगा? आपने बोला था ना 500 दिरहम, तो 500 में ऊपर है, 700 में नीचे वाला मिल जाएगा, क्या करना है बताओ? तो मतलब इंडिया के 10,000 रुपए में दूंगा? इंडिया छोड़ दो भैया, अभी दुबई में हो, दिरहम है कि नहीं आपके पास? गंदगी के लिए नहीं, गंदा यहाँ पे साफ सफाई करवा दूंगा मैं, आदमी को भेज के कर दूंगा, लड़कों का रूम है गंदा रहता ही है। तो दुबई की लाइफ ऐसी होती है? मतलब वैसा रहूंगा? नहीं ऐसी लाइफ होती नहीं है, जब तक आप विजिट वीजा में हो तब तक है, अच्छी सी नौकरी मिलेगी 8-10 हजार वाली, फिर ऐसा फ्लैट लेना। चलिए ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ इसके बारे में। डील डन करें कि नहीं? नो, मैं सोचता हूँ।